हमारे शिव जी के पास सैलाब आ रहा है भक्तों का और खूब आनंद हो रहा है और क्या बताए थे सुंदर दर्शन हरे। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो भाई? हम जा रहे हैं भैया वृंदावन। इतनी रात में और इतने खतरों के खिलाड़ी से खेल के कितने बज रहे अभी? यहाँ का हाल बहुत बुरा हो रखा है। टाइम बताओ। खतरों मतलब ऐसी जगह से जाते हैं जहाँ से आनंद आए और छोटी मोटी जगह से जाएंगे तो आपको आनंद नहीं आए। अगर आप कठिन रास्ते से जाओगे तो आपको ज़्यादा आनंद। टाइम दिखाओ कितने बज रहे अभी। देखो टाइम गाइस कितना हो रहा है, आज है 12:03 हो गए हैं और आज 21 तारीख, आज है गुरु पूर्णिमा। सबको सब गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने अपने गुरुदेव के पास जाए और चरण सेवा करें। राधे श्याम। तो रात के बज रहे 12:30 हम निकल गए शिव वृंदावन नाम के लिए। राधे श्याम जगत है और यहाँ पर हमारे साथ श्री राधे अर्जित भैया हैं। अरे तो हम पहुँच जाएंगे बरसाना, निकलेंगे उससे पहले यार, उसके बाद वृंदावन भैया जिन लोग। तो रात के बज गए हैं 2:30 और हालत हो रही है एकदम बोलो लाड़ी लाड़ी की जय। श्री राधे। हम कहाँ पहुँच गए देखो, हम करेंगे मंगला और आपको कराएंगे मंगला के दर्शन। इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ चाय पी लेते हैं। जय हो। तो अब होगी चाय पे चर्चा और आकाश की आज दीक्षा है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज इनसे कि दीक्षा होती क्या है, ली क्यों जाती है और ये क्यों ले रहे हैं। चलो अब ये जगत पूछेंगे हमारे रिपोर्टर। शुरू हो गया कैमरामैन यहाँ पर रिपोर्टर। आज हम सभी को शेरीवंश। तो आज हम भैया से कुछ प्रश्न करने वाले हैं क्योंकि उनकी कल है दीक्षा, तो अब इनसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो भैया आप राधे, तो आप भी राधेशा। हम पूछना चाहेंगे आपसे दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने माता पिता को पूछो। सबसे पहले अगर आप उनकी बात मानते हैं, उनकी बाड़ी पे चलते हैं, मतलब हर चीज़ उनके कहने पे चलते हैं, तो इससे बड़े उनसे बड़े कोई गुरु नहीं है। और फिर जब उनकी बात भी आप मानते हो उसके बाद आपको एक गुरु जो होता है ना वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो गुरुदेव जो होते हैं वो हमें भगवान तक ले जाते हैं, भगवान से मिलाते हैं, ठीक है। तो दीक्षा का मतलब ये होता है। तीन हो गए जगत हार गया भाई। पूर्णिमा का दिन और आनंद देखो, बरसाने में आनंद देखो। जी के पास सैलाब आ रहा है भक्तों का और खूब आनंद हो रहा है और क्या बताए थे सुंदर दर्शन हरे 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 वस्त्रों में हुए। राधे श्याम। राधा मिटावे सारी बाधा, राधा मिटावे सारी बाधा, राधा मिटावे सारी बाधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा राधा राधा। राधा नाम है जिस रचना पे, राधा नाम है जिस रचना पे। दर्शन करके 5:30 बजे नीचे आ गए हैं। अब कहाँ जा रहे हो भैया? वृंदावन। वृंदावन में क्या करोगे? बस महाराज श्री के दर्शन करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है ना, आनंद और बिहारी जी के जय हो। राधे श्याम। खूब आनंद आया हम लोग को भैया। अब मैं जा रहा हूँ गुरुदेव के पास अपने,
दर्शन करने और उनके चरणों के रज में प्रणाम करने और चरणों के रज में लिपटने के लिए राधे मस्तक पे लगाने के लिए श्री वृंदावन धाम की। तो हम वृंदावन पहुंच गए हैं और सबसे पहले वृंदावन में आगमन करते ही हम देंगे दंडवती और फिर हम आगे की ओर जाएंगे। वृंदावन धाम अंदर हम पहुंच चुके हैं परिक्रमा मार्ग पर, क्योंकि आज जगह जगह पर बैरियर लगे हुए हैं क्योंकि गुरु पूर्णिमा की वजह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो मैं भी अभी गुरुदेव के पास जा रहा हूँ और बैग निकालेंगे, चार्जर निकालेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। हमने गाड़ी लगा दी अपनी पार्किंग में, चलो चलते हैं, आप लोगों को आज दर्शन करवाएंगे राधे श्याम। ये सेलिब्रिटी है दोनों, देखो कैसे कर रहे हैं। फाइनली स्नान वगैरह कर लिया है हम सब ने और गुरु आश्रम पहुँच गया हूँ मैं अपने। गुरुदेव के दर्शन भी हो गए हैं, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम भी कर दिया है, शुभकामनाएं भी दे दी है और ये हमारा गुरु आश्रम है, मैं आपको दिखाता हूँ। राधे श्याम। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ, नहीं नाथ बुलाना मुझे। गुरुदेव के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं परिक्रमा मार्ग पे। ये देखो गुरुदेव, ये दक्षिणा के रूप में कुछ हमारा कोई सामर्थ्य तो नहीं है, बस उन्हीं की कृपा से लेकर जा रहे हैं अभी। और सबसे खुशी की बात आज ये है कि आज भाई साहब की दीक्षा होने वाली है। हरी बोल। जिन गुरु से मैं दीक्षित हूँ उन्हीं गुरु से। और आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं भक्ति में आया था तो मेरे को सबसे पहले भैया से भक्ति की स्टार्ट करना मिली थी, मतलब भैया सब कुछ मिला था। और आज सबसे बड़ा दिन है कि भैया के गुरुदेव से मेरे को दीक्षा मिली है। राधे राधे राधे। और गुरु पूर्णिमा में हमें मिला चावल, देखो इसने कितने डाल लिए। पूरी बहुत हम गुरु आश्रम से अब जा रहे हैं दिल्ली की और वापस, बहुत गर्मी हो रही है, प्रसाद वगैरह पाया है और अब जाएंगे हम दिल्ली। दिल्ली में कहाँ जाएंगे हम? गुरुदेव के दर्शन करने। आईटीओ जाएंगे, देखते हैं अब कब तक पहुंचेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम। राधे राधे। दिल्ली के लिए रवाना हम श्री वृंदावन धाम से। सोए नहीं हम कोई भी, देखो नींद आ रही है बहुत। सतगुरुदेव भगवान की जय।